आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम देखेंगे किडनी डिजीजेस होने से, यानी कि किडनी के प्रॉब्लम्स होने से क्या फर्टिलिटी पे असर पड़ता है और इसका परिष्कार क्या है। किडनी डिजीज अवश्य फर्टिलिटी पे असर दिखा सकता है, लेकिन पुरुषों में महिलाओं में दोनों में ये इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा डिफरेंट होता है। पुरुषों में किडनी डिजीज की वजह से फर्टिलिटी हो सकता है और रिड्यूस चांसेस ऑफ फर्टिलिटी होते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में फर्क आता है, मतलब कम होना देखा गया है। ऐसा देखा गया है और ऐसा प्रूव किया गया है कि किडनी प्रॉब्लम की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स बॉडी में बढ़ते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप होता है बॉडी में किडनी डिसफंक्शन की वजह से, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो स्पर्म्स पे असर दिखाता है। यही नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस जब टेस्टोस्टेरोन को ही कम कर देता है तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होने के चांसेस किडनी डिजीज वाले पुरुषों में देखा गया है। महिलाओं में किडनी डिजीजेस की वजह से अन्य प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, यानी कि हार्मोन्स में घटौती होना या बढ़ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स इम्बैलेंसेस का रूप धरते हैं, और इसकी वजह से ओविलेशन डिसरप्ट हो सकता है। ओविलेशन क्या होता है? अंडे का रिलीज होना, तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी डिसरप्ट होते हैं, यानी कि पीरियड्स भी ठीक तरह से नहीं आना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, जब ये किडनी डिजीजेस वाले महिलाएं प्रेग्नेंट होते हैं तो उनमें हाई रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें लो बर्थ वेट भी देखा गया है स्टडीज के मुताबिक। किडनी डिजीजेस होने पर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, यानी इसके साथ साथ कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होना, एनीमिया होना, ये भी फर्टिलिटी पे असर दिखा सकते हैं। कई अवसरों पर ऐसे किडनी प्रॉब्लम्स होने पर IVF एक बहुत अच्छा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शन बन सकता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आपको किडनी डिजीज है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अवश्य एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। आपके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं उसके मुताबिक आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं आपको प्लान करना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।